अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा चैनल देख रहे हैं 300 सेकंड्स विद सना। ये चैनल एक बाइलिंगुअल चैनल है, ये पश्तो और उर्दू में। यहाँ पे आपको वीलॉग्स देखने को मिलेंगे और ये वीलॉग्स होंगे सियासत के बारे में और इसके अलावा फूड रेसिपीज़ के बारे में, ये बुक रिव्यूज़ के बारे में और ट्रैवलॉग्स के बारे में। तो अगर आप 300 सेकंड में के अंदर अंदर बहुत सारा कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो इस तरीके से मिलेगी जब आप बेल का आइकन दबाएंगे। तो आज का जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक बुक रिव्यू है और ये बुक रिव्यू है गब्रियल गार्सिया मार्केज़ की इस किताब, इसका नाम है लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, यानी वबा के दिनों में मोहब्बत। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है, ये एक मशहूर किताब है गब्रियल गार्सिया मार्केज़ की और ये इन दिनों इसलिए भी मशहूर है क्योंकि वबा के दिन हैं, तो इन दिनों में इस किस्म की किताबें ज़्यादा मिलती हैं और वैसे भी लोग घरों पे होते हैं, जब घरों पे होते हैं तो किताबें ही पढ़नी जो है बेहतरीन काम है, किताबें पढ़ना। गब्रियल गार्सिया मार्केज़ जो है वो बुनियादी तौर पर एक लातिनी अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं वो लेखक हैं और वो अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं। बुनियादी तौर पर जर्नलिस्ट रह चुके हैं, फिर उसके बाद उन्होंने जब लिखना नावल लिखना शुरू किया तो तन्हाई के 100 साल, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड जो है वो एक मशहूर नावल है इनका, जिसने 1982 में, जिसकी वजह से इन्होंने अदब का जो है नोबेल प्राइज़ जीता और उसके साथ साथ एक और इंटरनेशनल जो है बैन अल-अक़वामी अवार्ड अदब का जीता और बहुत सारा कुछ इनके हिस्से में आया। तो वो अगर आप हम गब्रियल गार्सिया मार्केज़ की बात करें तो उनकी बहुत सारी अफसाने हैं, बहुत सारे नावल हैं जो दुनिया में मशहूर हैं, बहुत सारी ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुके हैं, लेकिन ये किताब जो है ये खसूसन बहुत अहम है और गब्रियल गार्सिया मार्केज़ के बारे में मशहूर है कि वो मैजिकल रियलिज़म जो है वो उनके उसके ईजाद करने वाले हैं। यानी ये मैजिकल रियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये वो लोग होते हैं जो रियलिटी यानी हकीकत पर बात करते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई जादुई बात, ऐसी कोई बात जिसको दिल करता है कि पूरी बात तो हकीकत है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई जादुई असर भी होता है। तो मैजिकल रियलिज्म के फाउंडर हैं। साथ में इस कहानी की जब बात करते हैं तो लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा के 3 अहम करेक्टर हैं, डॉक्टर अरबिनो, फ्लोरेंटिनो अरीज़ा जो हीरो हैं और साथ में फर्मीना डाज़ा जो हीरोइन है इस नावल की। तो एक बेहतरीन किताब है और इस किताब की जो कहानी है वो बहुत बहुत सारी चीज़ों को आपको आप सीखते हैं। लोग ऐसे समझते हैं कि ये किताब जो है ये मोहब्बत की एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें आप मोहब्बत की मुख्तलिफ़ रवैयों के बारे में, जब आप मोहब्बत की मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जब आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आप पेश आते हैं तो उसके बारे में आप कैसे आप उसके रवैया अख्तियार कर सकते हैं, उसको कैसे डील कर सकते हैं, ये इस किताब के अंदर है। फर्मीना डाज़ा एक हकीकत पसंद लड़की है जो जवानी में या नौजवानी में एक हकीकत पसंदाना फ़ैसला करती हैं और बाप की बात मानती हैं और डॉक्टर अरबिनो से शादी कर लेती हैं, लेकिन बाद में आखिरी ज़िंदगी में वो मोहब्बत यानी फ्लोरेंटिनो अरीज़ा जो होते हैं जिन्होंने इनके का इंतज़ार किया होता है तकरीबन 53 साल, 7 माह और 11 दिन और रात उन्होंने इंतज़ार किया होता है और जब इनके शौहर का इंतकाल होता है तो तब जाके यानी 53 साल बाद ये इनको अपनी मोहब्बत मिलती है और उस मोहब्बत के पास ये जाती हैं और ये बहुत बहुत सारे टैबूस को भी तोड़ते हैं इस कहानी के अंदर। एक ये एक लव ट्रायंगल है लेकिन एक मोहब्बत का एक हकीकत पसंदाना भी है, लेकिन जब 53 साल की बात सुनते हैं तो वही मैजिकल रियलिज़म की बात सामने आती है। मैं आखिर में एक इसकी एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है जो मुझे ख़ुद बहुत पसंद है इस किताब में, बहुत सारे कोट्स पसंद हैं पर एक जो है सबसे अहम वो है, अ सेंचुरी अगो लाइफ स्क्रूड दैट पुअर मैन एंड मी बिकॉज वी वर टू यंग एंड नाउ दे वॉन्ट टू डू द सेम थिंग बिकॉज वी आर टू ओल्ड। क्योंकि इसको बेटी मना करती है कि आपकी क्योंकि ये 70 साल से ऊपर हो चुकी होती हैं तो वो समझती हैं कि इनको शादी नहीं करनी चाहिए, तो बहुत सारे टैबूस को भी तोड़ती है। फिर मोहब्बत की मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जब हम ये समझते हैं कि मोहब्बत में लोग दीवाने हो जाते हैं, देवदास बन जाते हैं और वो मजनू बन जाते हैं, तो ये एक चीज़ है कि यहाँ मजनू कोई नहीं बनता। फ्लोरेंटिनो अरीज़ा मोहब्बत तो करते हैं, इंतज़ार भी करते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी भी वैसे ही गुजारते हैं और वो अफेयर्स भी करते हैं, दोस्तियाँ भी करते हैं। तो ये किताब बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसको पढ़ें और इसकी एक कमज़ोरी जो मुझे लगती है वो ये है कि पीछे
ये बार बार पास में जाना और आगे आना ये वाहिद कमज़ोरी है, इसके अलावा ये बहुत बेहतरीन किताब है। तो ज़रूर पढ़िए और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।